आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ लेना, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा ज्यादा लिया, एक थाना आपने खोल दिया है, आपके लुटेरे दिख रहे होंगे, लूट लिया था, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें हम अपराधी हो गए, कोई महाद्रस के बाबा है कि मेरे पैर की धूप ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है, आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह आपकी इज्जत बची है। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कहते। इसमें अब साफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष देखने को मिल रहा है। मोतीलाल जी कह रहे हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, कि यहाँ तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ऐसा भ्रष्टाचार पहले कभी देखने को नहीं मिला, जो इनके इतने सीनियर नेता हैं। उधर विधायक इनके मिश्रा जी कह रहे हैं कि यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार बनना बड़ा मुश्किल है 2027 में, यहाँ PDA पे काम समाजवादी पार्टी अच्छा करती है। तो समाजवादी पार्टी दरअसल में जनता के साथ कनेक्ट है, समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करती, ना वो किसानों की बात करती है, ना महिलाओं की समस्या की बात करती है, ना छात्रों की पर्चा लीक पर बात करती है, ना युवाओं की रोजगार पर बात करती है, ना किसान जो परेशान उसके बारे में बात करती है, ना महंगाई पर बात करती है। समाजवादी पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर जनता के साथ है। ये भारतीय पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को भी एहसास हो गया है कि समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो जनता के साथ जुड़ के जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से हट चुकी है, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती, वो मार्केटिंग इवेंट में विश्वास रखती है। इसलिए उनके नेता भी, चाहे मोती सिंह जी हो, चाहे उनके विधायक मिश्रा जी हो, सभी लोगों के अंदर में ये उनके वक्तव्य से साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जनता से कनेक्शन खत्म हो गया है और भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाज में दिखाई दे रहा है।